राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान पर सुबह से वातावरण भक्तिमय रहा। वहीं दिन भर हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के घर पर भजन कीर्तन करते हुए लोग नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि 500 साल के संघर्ष के बाद आज राम की मूर्ति की स्थापना हो सकी है और मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया है और राम जन्मभूमि आंदोलन में लोगों ने हजारों कुर्बानियां देकर संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि जिन राम भक्तों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी उनकी कुर्बानी काम आई है और आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी को बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। पांच संघर्ष के बाद अयोध्या में आज रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया और राम जन्मभूमि आंदोलन के लोगों ने हजारों कुर्बानियां दी, 5 सदियों तक संघर्ष किया। जिन राम भक्तों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी उनका बलिदान फल लाया है, उनको कोटि कोटि प्रणाम। जो भी लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ जुड़े थे उनको साधुवाद, उन सब की तपस्या फलीभूत हुई है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं समस्त विश्व के राम भक्तों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सनातन धर्म की फिर से जय हुई, विजय हुई है। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान पर सुबह से वातावरण भक्तिमय रहा। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद आज राम मूर्ति की स्थापना हो सकी है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में लोगों ने हजारों कुर्बानियां देकर संघर्ष किया है। पंजाब के सिटी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।